हाँ जी, होमवर्क डिस्कशन हो जाएगा क्लास के बाद, मैं हूँ, मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। आज सारे क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं, खत्म चैप्टर। पता नहीं, उसके बाद और एक बार होगा, वो इनक्रिप्ट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ होगा ना, कंप्रेशन। कोई बात नहीं, ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। सबसे पहला काम, हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पढ़ते क्वेश्चन को, क्या लिखा? पांच नंबर का क्वेश्चन आया है एग्जाम में, मई 2019 में लिखा। अल्फा लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ईपीएस दिया है 4 रुपए, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है 25%। तो डिविडेंड का अमाउंट निकल सकता है क्या? ईपीएस दिया है 4 रुपए का 25%, कितना होता है? 3 रुपए, 1 रुपए। मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है 50, टैक्स का रेट दिया है 30% और ग्रोथ रेट दिया है 10%। कंपनी जो एडिशनल पैसों की जरूरत है वो कितने रुपए की जरूरत है? 10 लाख, जिसमें डेट कितने का? 4 लाख। तो बताओ इक्विटी कितने का? 6 और 4। कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, ठीक है, 10% अप टू 2 लाख एंड 15% बियॉन्ड निकल जाएगा। ये तो केडी निकल जाएगा 4 लाख के लिए, 2 लाख तक 10% और ऊपर 15%। कंप्यूट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आफ्टर टैक्स क्यों बोल रहा है? वो सारे डेट के लिए बोल रहा है। एक तो आपको निकालना कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई, और क्या निकालना है? केडी, और क्या निकालना है? डब्ल्यूएचएस। सिंपल क्वेश्चन, तो पहले केई निकाले। आराम से समझ में आ जाएगा, सब एक जैसे ही तो है। उस दिन टाइम पास ही किया था बच्चों। तो ए इज इक्वल टू डी वन डी जीरो प्लस जी। तो पी जीरो मालूम है यार 50 रुपए, ग्रोथ रेट दिया है 10%, डी वन बोलो कितना? 4 रुपए का 25%, 1। डी जीरो है कि डी वन? डी वन। कैसे? पैसा नहीं होता, पे आउट रेशो मतलब करना है, ये भी नहीं होता। जितना बोल रहा है, जितना हम कमाते हैं उसका 25% हम डिविडेंड देते हैं। आप पहले भी उतने किए होंगे, आज भी उतने ही होगा। हाँ, जितना भी कमाएंगे उसका 25%। वन लेना है कि वन प्लस 1.1 से? It is assumed that
given dividend is अल्टरनेटिव एजम्पशन पॉसिबल है ना, आईसीएआई डी जीरो बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता, आईसीएआई ने डी जीरो, हाँ बस इतना ही तो था यार, उसके लिए क्या कन्फ्यूजन। के ई इज इक्वल टू 1.10, डी जीरो कितना है, कितना आ गया 12.0, कितना आया भाई, कोई 12.0, अगर कंफ्यूजन है, अगर कंफर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, जहां भी आपको ऐसा लग रहा है यार डाउटफुल है अब लिखो, तो भी सही था, तो भी पर फिर भी हम लोगों को तो याद रहता है ना कि यार इस क्वेश्चन में हमको डी जीरो लेना है, अभी क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ, इसका मैंने कुछ हाँ मैंने उस हिसाब से बताया था, टोटल इंटरेस्ट ले लेते पहले 2 लाख का 10% प्लस बचे हुए 2 लाख का 15%, टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, पचास हजार को मैं 0.5 लिख सकता हूँ ना, तो केडी बिफोर टैक्स निकाल लेते पहले, या आफ्टर टैक्स भी कर सकते हो, आफ्टर टैक्स कर लो सीधे, आई अच्छा परसेंटेज से निकाल रहे हो क्या, आपको जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, और फिर लेकिन उसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, मुझे ये बताओ कि टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 0.5, देखो मैं आपको बता रहा हूँ दो तरीके हैं, 0.5 कर लिया, अब उसके बाद मैं क्या निकाल रहा हूँ केडी सीधा, 0.5 इंटरेस्ट का अमाउंट है कि रेट है, अमाउंट, अगर अमाउंट है तो फॉर्मूला 0.5 वन माइनस टैक्स का रेट कितना है 0.30 डिवाइडेड बाय 4, अल्टीमेटली यहां डिवाइड 4 कर देता मैंने, यहां डिवाइडेड इनटू 100, हाँ इस तरह से आपको करना पड़े, कुछ बच्चे बोल रहे थे नहीं नहीं सर हम केडी वन केडी टू करेंगे, तो ऐसा भी कर सकते, आंसर कितना आ रहा है, हाँ ये अमाउंट, ये रुपीस, ठीक, अभी क्या WACC निकल सकता है, चलो तो WACC निकल, टेबल में बनाना सीधा सीधा कर, सीधा सीधा कर लेते, WACC इक्विटी कितने का है 6 लाख पे कितना देना है 12.2, डेट कितने का है 4, इस पे कितना देना है 8.75, टोटल मिलाकर कितना हो गया 10,
10.82 इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या होती है, डी जीरो है कि डी वन, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या आपको याद रहेगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, अब सवाल बस ये है, 4 रुपए का 25% कितना होता है, 1 रुपए, तो ये 1 रुपए डी जीरो है कि डी वन, चार रुपए का 25% कितना होता है, 1 रुपए, 1 रुपए डी जीरो है कि डी वन, डी जीरो, मैंने कहा था ना याद रहेगा, याद रखा, सेम क्वेश्चन नहीं, ग्रोथ रेट 8% डाला है, होमवर्क। कैपिटल वेस्टिंग बीच में आ रहा है थोड़ा सा, मुझे बस बताना, वैसे भी अभी अभी टेस्ट दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, मान लो यार डिस्काउंटिंग रेट है 10%, 10% है 20%, 20% डिस्काउंटिंग रेट, और हर साल आएगा 5000 5000 5000, कितने साल तक आएगा, 1 2 3 4 5, क्या प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे आएगा 5000 5000 5000 5000 5000, डिस्काउंटिंग रेट है 20%, हाँ टोटल प्रेजेंट वैल्यू एनयूटी वाला, बिल्कुल सही, पांच हजार इंटू 2.990 पक्का, वन डिवाइडेड बाय 1.20, 1 2 3 4 5 जी टी, हाँ 2.9906, ठीक है, इंटू 5000 करोगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा एक बात और पूछता हूं, अगर ये 5000 5000 10 साल तक आता तो, अरे इसी को इंटू कर इंटू कर देता, चलो तो मतलब कैपिटल वेस्टिंग आता है ऐसा नहीं। आखिरी क्वेश्चन, 20% डिस्काउंटिंग रेट है, 5000 5000 5000 आएगा तो बताओ प्रेजेंट वैल्यू कितना, पांच हजार पांच हजार पांच हजार 10 साल के लिए नहीं, 6 7 बताओ प्रेजेंट वैल्यू कितना है, आते रहेगा लाइफ टाइम परपेचुअल, तो वो 5000 × 1 + 1 + g n, 5000 5000 5000 5000 कब तक आते रहेगा परपेचुअल, फॉरएवर, तो बस प्रेजेंट वैल्यू बताओ मुझे, 5000 × फैक्टर बोलो, कैलकुलेटर 1 / 1.20 0.833 आया, फिर इक्वल टू करो, यार ये कम हो रहा है धीरे धीरे, फिर कम हो रहा है, ये कभी ना कभी तो ऐसा होगा 0.00000, कभी ना कभी तो होगा, करो करो करो, और मालूम है लास्ट में जीटी प्रेस करना और आंसर आएगा, और आंसर कितना आएगा मालूम है, 5 आ जाएगा, करके देखें, हाँ मेरे पास शॉर्टकट है, हाँ 0000 पूरा 0000 आ जाए कैलकुलेटर।
पूरा जीरो फाइव, वो तो मैंने लिख दिया था ना फाइव, मुझे मालूम है फाइव जितना 0.005 ही आएगा भाई, फाइव ही आएगा। अब वो लगभग थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाएगा। हाँ आप मतलब फाइव ही ले लो। हाँ मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ ना, अगर सोचो ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो बोलता परपेचुअल आएगा और आप बार बार कैलकुलेटर दबाओगे तो जो देख घूम रहा होगा ना, वो कर क्या रहा, मतलब पेपर क्यों नहीं दे रहा, दिक्कत ही है। मैथ्स में होता था जीपी सीरीज, किसी ने किया ए बाय आई, ए बाय आई ऐसा है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का तरीका। इट मींस 5000 ये है, कब तक आएगा परपेचुअल, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना, ये अमाउंट डिवाइडेड बाय 20% कर लो, 5000 डिवाइडेड बाय 20% 25000 आएगा, या फिर 5000 इंटू 5 करोगे उतना ही आएगा। तो परपेचुअल कैश फ्लो निकालने, आपने गुडविल पढ़ा है, कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ा है, उसमें क्या होता था, अभी बात हो ही जाए यार क्योंकि अकाउंटिंग वाले बच्चे एक्सपर्ट हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, हाँ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो जो सुपर प्रॉफिट होता था उसको कैपिटलाइज करते थे आप, डिवाइडेड बाय रेट से करते थे, वो क्या करते थे, वो प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे, फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। सर इसकी जरूरत कहाँ है, कहीं नहीं है, अभी एक क्वेश्चन करने जा रहा है जहाँ जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाएगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। वो तो एन्यूटी मेथड होता था उसमें, तो पक्का मैं बता दूं। चलो जी क्वेश्चन नंबर 28 और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करना है अच्छे से। द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दिया है, मतलब आपको समझ में आ गया करना क्या है करके, ठीक है। इक्विटी दिया है, रिटर्न अर्निंग दिया, प्रेफरेंस शेयर दिया, डिबेंचर दिया है, और यहाँ इक्विटी है और रिटर्न अर्निंग है ही नहीं है, मार्केट वैल्यू उसका और प्रेफरेंस शेयर है और डिबेंचर्स, आपको क्या निकालना पड़ेगा डब्ल्यू एस सी से, कौन से वेट से, बुक वैल्यू और मार्केट। रिटर्न अर्निंग को अलग अलग लिखना है कि नहीं लिखना है, डिपेंड करता है, किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर कैसे डिपेंड करता है, कोई बात नहीं। अब ध्यान, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इक्विटी शेयर्स अभी मार्केट में क्या कोट है, 130 रुपया, जब नया शेयर इश्यू करेगी तो कितने के हिसाब से इश्यू होगा, 125, वजह क्या है, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, आराम से सुनना, प्राइस कितना है, नया शेयर कितने में इश्यू कर रहे हो और फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, किस पर है, फेस वैल्यू, नेट कितना आएगा मेरे जेब में, 120। आराम से इसको पढ़ के बताओ, शेयर कितने में इश्यू किया जा रहा है, 125, फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है, आएगा कितना जेब में, इश्यू में 125 में कर रहा हूँ, ठीक है, मार्केट में 130 चल रहा होगा उससे हमें मतलब नहीं है, 125 में इश्यू कर रहा, पहला इश्यू प्राइस लेना मैंने पहले ही बोल दिया, अगर इश्यू प्राइस दिया तो मार्केट प्राइस में नहीं जाओ, तो 125 में से 5 रुपये क्या कटेगा, फ्लोटेशन कॉस्ट, तो के ही निकल जाएगा, नेट कितना आएगा, 120 ही आएगा, ठीक, 120 ही आएगा, 5 रुपये पर शेयर ऑन फेस वैल्यू, हमें तो 5 रुपए से मतलब है भाई, क्या टेंशन लेना। अच्छा दूसरी बात, तो भी कोई दिक्कत नहीं, 5 रुपए ही तो है, परसेंटेज में देता तो दिक्कत होती,
जनरली फ्लोटेशन, हाँ वो तो इश्यू प्राइस से नेट हमारे जेब में क्या आएगा, फेस वैल्यू माइनस करके नहीं आएगा नेट पे यार, जितने में इश्यू कर रहे हैं वो आएगा ना। मतलब मैं समझा नहीं समझा, अंडरराइटिंग पढ़ा है, अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग में जो कमीशन होता है जनरली किस पे होता है, इश्यू प्राइस पे, पर अगर एग्रीमेंट में लिखा कि फेस वैल्यू पर ही मिलेगा तो फेस वैल्यू पे मिलेगा, आप कितने में इश्यू करो, आप कितने में भी इश्यू करो उससे मतलब नहीं, आपको जो कमीशन मिलेगा वो फेस वैल्यू पर ही मिलेगा। हाँ जी, अंडरराइटिंग में एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है सर। पॉइंट नंबर टू बाद में संभालेंगे। अच्छा के आर अलग आएगा कि के आर सेम ही आएगा, अलग आएगा। पॉइंट नंबर टू, ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइव ईयर्स डिविडेंड जो है वो इंक्रीज हो रहा है 10 रुपए से 16.105, ठीक है 10 रुपए था, ठीक है 5 साल बाद बढ़ गया। डिविडेंड एट द एंड ऑफ करेंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 17.01 दिया, ग्रोथ रेट निकल जाएगा। प्रेफरेंस शेयर फेस वैल्यू कितना है 100, रियलाइज कितना हो रहा है 105, ये भी हो जाएगा। कंपनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, द कंपनी प्रपोजेस टू इश्यू 11 ईयर 15% डिबेंचर, बट यील्ड ऑन डिबेंचर ऑफ सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लास इज 16%, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2% ऑन फेस वैल्यू। अब यहां सोच समझ के करना, टैक्स का रेट कितना है 30%, हमें क्या निकालना है WACC, किस वेट से, दोनों वेट से। फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, ग्रोथ रेट निकाल कर बता रहे हो, वाह निकाल दिया, ग्रोथ रेट 16.105, 10 दिया है, कितने साल पहले का 10 रुपए, 5 साल पहले का पक्का, पिछले 5 साल की इंफॉर्मेशन, तो 1.1+g पावर क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16.105, 30 पावर यूज करना आता है ना, नहीं पर वो तरीका बताओ, आगे की जो दो वैल्यू दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है और D5 दिया हुआ है, हाँ अब दिया हुआ D6 ये दिया हुआ है, नो डिफरेंस कर दो D5 का राइट कर दो पॉइंट कर दो आ जाएगा, फेस मान ले D5 को डिफरेंस तो उसको फिट मान ले, हाँ फिर से बोलना क्या बोल रहे थे, जो इस साल का है वो D1 नहीं थी, इसको कैसे 17
समझ गए, माइनस करेंगे 16.10 डिवाइडेड बाय 16, लेकिन हमेशा सही ऐसा आंसर नहीं आएगा, हमेशा जरूरी नहीं है। परसेंट ग्रोथ तो मेरा सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि क्वेश्चन में आपका ग्रोथ सेम रहेगा, ग्रोथ इंडिविजुअल हर साल का अलग अलग हो सकता है, एवरेज सेम है। क्वेश्चन फ्रेम ऐसा किया गया कि आपका आंसर आ गया, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। ग्रोथ रेट कितना आया सर? नहीं, क्वेश्चन थोड़ा भी घुमा देगा ना तो फिर नहीं कर, रिप्लाई नहीं किया था कि डीवन कितना भाई? D1 17.716। पी जीरो कितना नेट? 120। ग्रोथ रेट कितना? 0.10 24.76। अब और एक चीज निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ रिटर्न। यार D1 कितना, P0 कितना? 125। क्यों इश्यू तो करना ही नहीं है भाई, आप रिटर्न अर्निंग में इश्यू प्राइस नहीं ले सकते, शेयर इश्यू ही नहीं करना है आपको, हमेशा मार्केट प्राइस लेना है। सम खा लो कि KR निकालते समय हमेशा मार्केट प्राइस लेना। केपी निकाल लेते हैं, जो खेल है वो इसका है, KD का है ना, केपी निकाल लेते सबसे पहले। तो मुझे दिख कहां रहा कि पीछे क्या मोबाइल चल रहा है क्या? केपी तो मुझे बस इतना बताओ कि ये फॉर्मूला बड़ा वाला लगेगा कि छोटा वाला लगेगा? पक्का छोटा वाला। 100 रुपए का 15% कितना होगा? 15। 1 माइनस टैक्स करेंगे क्या? नहीं। और रियलाइज कितना हो रहा है? 105 × 200 14.1। अभी क्या निकालना है लास्ट? KD।
बिल्कुल ध्यान से करना पड़ेगा। द कंपनी प्रपोजेस टू इश्यू 11 ईयर दिया, ईयर दिया मतलब समझ ही गया कि यार ये रिडेम्पशन वाली बात हो गई। 15% डिबेंचर मतलब 15 क्या हो गया, कूपन इंटरेस्ट। बट द यील्ड ऑन डिबेंचर ऑन ए सिमिलर मैच्योरिटी एंड रिस्क क्लास इज 16%, रोटेशन कॉस्ट कितना है 2%। तो यार अगर फॉर्मूला फॉर्मूला में पहले लिख लेता हूँ केडी निकालने का, आपको भी याद होगा शायद केडी, केडी इज इक्वल टू आई वन माइनस टी प्लस आर बी माइनस टी वाई। ठीक, बदला लूंगा क्या सोच रहे बदला लूंगा तो इंटरेस्ट कितना ₹15 टैक्स का रेट कितना है भाई 98 ही करता अगर मैं फाइनल नहीं पढ़ा होता। अब खेल सुन लो अभी अच्छे से। बैंक यही तो कंपनी ये भी एक कंपनी, आप इस कंपनी के बॉन्ड खरीद रहे हो, डिबेंचर खरीद रहे हो। ठीक, अब जब डिबेंचर खरीद रहे हो तो डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 और यहां आपको कितना मिल रहा है मुझे बताओ, यहां कूपन इंटरेस्ट कितना मिल रहा है इस कंपनी, जिस कंपनी के 15% ₹15 या 15%। जबकि इसी के जैसी और एक कंपनी सिमिलर कंपनी और वहां जो यील्ड है वो 15% नहीं है, वहां कितना परसेंट है 15%। अब कहां के बॉन्ड खरीदोगे, सेम मैच्योरिटी है सेम रिस्क है, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि यहाँ रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, नहीं। दोनों कंपनी है, दोनों में से आप इस कंपनी के डिबेंचर खरीदना पसंद करो कि इस कंपनी, इस कंपनी के शर्त है कि 100 से कम का दे, है ना यार, 100 से कम का दे। तो ये जो इश्यू करेगा वो 100 में नहीं करेगा, कम में इश्यू करेगा, कितने में इश्यू करेगा बस ये उसकी मुझे वैल्यू निकालना पड़ेगा। वैल्यू निकल सकती है क्या इस कंपनी के डिबेंचर की वैल्यू, बोलो हर साल ₹100 का 15% कितना होता है ₹15 और ये ₹15 हमको कितने साल तक मिलेगा 11 साल तक, बिल्कुल सही। लेकिन 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 सुन लो बच्चों, ICAI ने यहाँ गलत कर रखा और हमको भी गलत ही करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन होता तो मैंने आपसे अभी पहले कहा ना कुछ चीजें आज मैं रटवाऊंगा क्योंकि आखिरी क्लास, और उसका ये कहना ये ₹15 मिलेगा परपेचुअल, परपेचुअल एजम्पशन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा। ₹15 मिलेगा आपको परपेचुअल, डिस्काउंटिंग रेट कितना लेना पड़ेगा 16%। आंसर बोलो कितना है, कितना 93.7। मुझे बोलो हर साल कितना मिलेगा ₹15 कब तक, परपेचुअल हमेशा। और डिस्काउंटिंग किससे करना है, आपका जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब बाहर अगर लगाता तो जो कमाता,
तो 16% से मैं डिस्काउंटिंग कर रहा हूँ, और मैंने परपेचुअल में डिस्काउंटिंग करने का फॉर्मूला भी बताया था आपको, 15/16% आंसर आ गया 93.7। एक चैप्टर अमलगमेशन, ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हो, पढ़ लिया है आपने, अमलगमेशन पढ़े हो, हाँ तो बुक लेके आना, मैं क्वेश्चन दिखा दूंगा, उसमें भी ऐसे ही कर रखा है आपने अमलगमेशन परपेचुअल वन। कोई बात नहीं, अभी बस इतनी सी बात है, मैं गलत ही पढ़ा रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा क्या क्या गलती है, गलत ही पढ़ा रहा हूँ। हालांकि आप भी जानते हो 15 रुपए कितने साल तक मिलेगा, 11 साल, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना, तो 15 15 15 15 कितने साल तक, 11, और लास्ट में कितना मिलेगा, 1000 नहीं, 100 भी तो मिलेगा यार। आप अगर मेरी कंपनी के डिबेंचर खरीदते तो 15 15 15 11 साल तक, और लास्ट में क्या मिलता, 100, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते, लॉजिकली यही होता है। अब आपका ये कहना है सर ये टाइम पास ना करके हम ऐसा नहीं कर सकते थे क्या, 100 रुपए में से 2 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट काट देते, सीधा कितना कर देते, 98 कर सकते थे, लेकिन सवाल ये है कि 16% क्यों दिया, फिर इसको तो बढ़ा दिया आपने, ठीक है, हाँ फ्लोटेशन कॉस्ट वो तो बाद में हम माइनस करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हो क्या, 100 रुपए एज्यूम किया, आप 1000 भी करते तो आंसर ऐसे ही कुछ आता, ठीक, करें हिम्मत से काम करें, रटना पड़ेगा भाई, और ऑप्शन नहीं है आपके, हाँ चलो काम करें, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसिट सबसे पहले निकालना पड़ेगा। और सर अगर आप कुछ ही सिंपल वे में समझाते तो मैंने बताया मैं भी आपकी तरह 98 लिख देता और आपको भी मजा जाता, नंबर वन नहीं मिलता, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसेट्स। ये लिखेंगे, रुक के लिख रहा है थोड़ा सा, अभी पहले मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, वैल्यू वैल्यू बहुत सारी गलती कहां तक सुधारोगे, 15 रुपए डिवाइड किससे करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है 16% से, तो बोलो वैल्यू कितना आ गया, 93 माइनस 2 कितना है यार आज का वैल्यू, पर फ्लोरेशन कॉस्ट अलग कट जाएगा 2 रुपए, ये देखो ना यार 2% किस पे, फेस वैल्यू पर। अब ये नहीं बोल सकते कि ये फेस वैल्यू नहीं है, ये मार्केट प्राइस है, फेस वैल्यू तो हमने 100 रुपए ऑलरेडी एज्यूम किया, तो 2 रुपए कहां से आया पता है ना, फेस वैल्यू का 2%, हाँ और फेस वैल्यू कितना है, 100 का 2% 2 रुपए, गुड मॉर्निंग, आज ऐसे झेलना पड़ेगा मुझको है ना, 100 का 2% 2 रुपए, तो नेट कितना आया, 91.7 डिवाइडेड बाय 11, खुश, जितने ऑब्जेक्शन लेना है ले लो पर मैं मजबूर हूं है ना, 100 प्लस 91.75 डिवाइडेड बाय 2 × 100 कुछ नहीं आता यार। अब मैं नहीं चाहता अपना कुछ एडिशन, जैसा है वैसा करते रहो, हमको पास होना नंबर ले। परसेंटेज बताओगे, इलेवन पॉइंट सेवन थ्री परसेंट,
हाँ मैं तो फाइनल में बोलूंगा कौन बेवकूफ करवाए ये क्वेश्चन आपको, फाइनल में जब आऊंगा ऐसे होता है क्या? पर अभी तो मैं मजबूर हूं ना यार। चलो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, केई आ गया, केआरबी आ गया, केपीबी आ गया, केडी। अब इसके बाद मेरी मदद की जरूरत है नहीं, चलो तो निकाल लेते, पहले बुक वैल्यू से निकालते हैं। आप निकालने जा रहे हो, मैं आपको आंसर दे रहा हूं। एक सेकेंड पहले, हाँ रुक जाओ, के ई है 24.76, के आर है 23.63, के पी है 14.29 और के डी है 11.73। हाँ लिख लो, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ यहाँ, बुक वैल्यू के हिसाब से आ रहा है 22.05%, मार्केट वैल्यू के हिसाब से आ रहा है 22.57%, थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाए।
26 तो बहुत वेरिएशन है। इसमें यही वाला पार्ट है जो अच्छा नहीं है। थोड़ा सा रटना पड़ेगा। हाँ वैसे यूनिटरी मेथड से नहीं, हम कॉन्सेप्ट के साथ सोच रहे हैं, ये एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू है। हाँ उस हिसाब से हमारे वैल्यू तो पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 32-33 होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है जो अभी किया। क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए। इसमें मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना सिंपल क्वेश्चन है 56। चालीस परसेंट क्या लेना है आपको, डेट, और 60% इक्विटी, जितने भी पैसों की जरूरत पड़े। द कंपनी इज प्रेजेंटली कंसिडरिंग बहुत अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है कॉस्टिंग लेस देन 20 लाख। द कॉर्पोरेशन ऑलवेज रेज द रिक्वायर्ड फंड विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रेजेंट डेट इक्विटी रेशियो। मतलब जब जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी ऐसे रहे। ठीक है, 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख का कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दिया। टैक्स का रेट कितना है 50%, केडी निकालने के काम आएगा। इंटरेस्ट रेट दिया है क्या, दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस किस का, अगर आप प्रोजेक्ट एक्स में पैसा लगाते हो या तो प्रोजेक्ट वाई में पैसा लगाते हो। प्रोजेक्ट एक्स में पैसा लगाने के लिए आपको 6.5 लाख रुपए की जरूरत है और प्रोजेक्ट वाई के लिए 14 लाख रुपए की जरूरत है, तो आपको निकालना है। तो काम करें, सबसे पहले बात किसकी करें, प्रोजेक्ट एक्स।
कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है भाई? 1,50,000 इसमें डेट कितना रखना है? मतलब 260,000 अब इसके लिए केडी और केई चाहिए, काम खत्म हो जाएगा। केडी, केडी का फॉर्मूला हमको मालूम है, आई माइनस टी ट्वेल्व वन माइनस सिक्स परसेंट और के ही कितना आएगा यार 14% तो डब्ल्यू एस एस सी 6 × 0.4 14 × 0.6 हाँ आ गया आंसर। पॉइंट फोर आया क्या चीज। आप वेट निकालना था आपको, इसको टोटल मारते हैं अपन लोग और फिर वेट निकालते हैं, तो वेट निकल सकता है कि डेट का वेट कितना आएगा? वही तो आएगा, यही तो बड़ी बड़े ज्यादा शॉर्टकट ना चलाओ तो ज्यादा अच्छा है। 260,000 × 3,650 हो गया। वैसे इस क्वेश्चन को प्यार से भी बनाया जा सकता था पर मैंने बनाया नहीं, मैंने कहा दिया है तो यार शॉर्टकट मार लेते हैं। ठीक है ठीक है, वेट है वेट। और सुनो, और भी दिमाग चल गया था पिछले पिछले बार बच्चों का, सुनो कैसे दिमाग चला था। डेट कितना है? 260 सर, 2,00,000 तक 10% है ना, ये तो मतलब है यार, ये तो पढ़ रहे थे। और 60,000 के बाद 11% ठीक। ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट दिया है, कॉस्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट चलो अब किसका बता रहे हो? प्रोजेक्ट वाई, उसका सीओसी निकालो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आंसर आएगा 11.3%। अलग अलग करी क्यों? हाँ आपको समझाने के लिए किया। हाँ हाँ सर, ये निकाल के और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आपने। अब तो सही में सोच रहे थे 2,00,000 तक 10% नहीं, नहीं जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी। अब जब ऐसा निकाला ही है तो फिर प्रॉपर वे में होना चाहिए था क्वेश्चन। डेट इक्विटी लिखते फिर वेट लिखते, वैसे करते और ज्यादा अच्छा रहता, पर 5 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आता। हाँ बिल्कुल, चाहो तो फॉर्मूला लिख देता हूँ। ऐसे कर दिया केडी इंटू डब्ल्यू डी और के इंटू डब्ल्यू डी। हाँ ये लिखवाया हूँ, उसको यूज नहीं किया।
गया। एडिट तो आपने कर लिया ना सर, अब समस्या है सुनो, इन क्वेश्चन में क्या दिक्कत, कुछ बात कर रहा हूँ रटने वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ लेकिन कुछ बातें करना जरूरी है। जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, चाहे हम किसी का भी नहीं लगा रहे, स्पेशली केडी का फॉर्मूला लगाते हैं, केडी आई वन माइनस टी प्लस आर वी, इस पे प्रॉब्लम हो रहा है नेट प्रोसीड के लिए। तो वैसे तो नेट प्रोसीड में हम क्या लेते हैं, मार्केट प्राइस नहीं, सबसे पहले क्या लेते हैं, इश्यू प्राइस। क्या इश्यू प्राइस दिया हुआ है? यस, तो हम सीधा उठाकर क्या कर ले लेते हैं, इश्यू प्राइस। मतलब यहां कितना लोगे, 100, और 100 ही आपने लिया। लेकिन अगर ये 100 नहीं देता तो मार्केट प्राइस ही लेना चाहिए। ICAI ऐसा नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा, बोले अगर मार्केट प्राइस अलग से दिया है और इश्यू प्राइस के विषय में कुछ नहीं दिया है तो वो इश्यू एट फेस वैल्यू मान रहा। हाँ, ये गलत है, ये भी गलत है, इसको भी मैं रटवाने की कोशिश करूंगा। इट मीन्स जब यहाँ साफ साफ लिखा रहेगा कि इश्यू कितने में कर रहा तभी लेना, अगर मार्केट प्राइस ऊपर अलग से दिया इसके साथ मार्केट प्राइस नहीं दिया तो आप क्या मान के चलना कि इश्यू किस पे हो रहा है, फेस पे। कौन सा क्वेश्चन, अभी मैं पहुंच रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि यहाँ सेल प्राइस दिया, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनोगे, जब तक हम रट रहे हैं, जब तक साफ साफ लिखा ना रहे कि इतने में इश्यू कर रहा है, अगर इश्यू प्राइस दिया है कि कितने में तो इश्यू प्राइस लेना, अगर कुछ नहीं बोला है तो मार्केट प्राइस मत उठाना, हमको क्या लेना पड़ेगा, फेस। दिया है सेल प्राइस दिया, मतलब कितने में इश्यू करो तो लेना पड़ेगा, ठीक। पहले क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ, मैं एक एक चीज डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 41। हाँ, मैंने क्या बोला था याद है, सबसे पहले क्या लेना, इश्यू प्राइस, और उसके बाद क्या लेना, अब मार्केट प्राइस, सीधा क्या ले लेना, फेस वैल्यू, ठीक। हर क्वेश्चन में मैंने सारे क्वेश्चन चेक किया है, एक क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो हर क्वेश्चन में ऐसे ही, ठीक। पर न्यू स्टडी मैट नहीं देखोगे, शर्ती है, क्योंकि वो सुधर गया, लेकिन हमको नहीं सुधरना, हमको ऐसे ही करना जैसे चल रहा है। मैं 24, हमको तो मतलब ही नहीं है नया, हम देखे सर, हम अपना तो नहीं देख रहे, वो जाकर क्यों देखे, ठीक। इस क्वेश्चन पे जाइए 41, मुझे बस इतना पता करना नेट प्रोसीड क्या लेगी। सौ ही लेके, अगर लॉजिक की बात करो तो क्या लेना चाहिए, 105। हमें लॉजिक पे नहीं जाना है, इसको इग्नोर कर दीजिए, हम 100 रुपए काम आएगा, लेकिन 105 ऐसा नहीं कि काम नहीं आएगा, मार्केट वैल्यू वेट पूछेगा ना उस समय काम आएगा, वो जब मार्केट वैल्यू निकालेंगे तब काम। इस क्वेश्चन में 44 में, हाँ सब सॉल्व कर चुके हैं, तो ही लोग इस क्वेश्चन में, इसमें कहीं बोला है कि कितने में इश्यू करना है तो क्या लोगे, 100, भले ही मार्केट प्राइस ऊपर क्यों ना लिखा हो। नहीं, फ्लोटेशन कॉस्ट है ना भाई, रोटेशन कॉस्ट माइनस करो, ठीक है।
मैंने ये सारे क्वेश्चन निकाल के रखा है कि भाई कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने पहले सारे क्वेश्चन निकाल दिए। ठीक, फिर से बता रहा हूँ कहाँ कहाँ, सारे क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ एक बार, क्लियरिटी आ जाए। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन निकाल लिया, इसमें तो कोई शक ही नहीं था, यहाँ साफ साफ सेल प्राइस लिखा था, मतलब यही मार्केट, ये हमको मार्केट प्राइस देखना ही नहीं है, सीधा इश्यू प्राइस दिया, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। 41 में भले ही मार्केट प्राइस दिया, हमको क्या लेना पड़ेगा, फेस वैल्यू। 44 उसमें सेम ही क्वेश्चन था, इसमें भी क्या दिया है, मार्केट प्राइस, पर लेना क्या है, फेस वैल्यू। 53 इसमें भी सेम सिचुएशन, हमें मार्केट प्राइस यूज होगा, कहां होगा, मार्केट वैल्यू वेट के, बाकी लेना है आपको फेस। अच्छा इस क्वेश्चन में बता, ये भी हो चुका है, प्रेफरेंस शेयर की बात करना, नेट प्रोसीड क्या लोग, सेलिंग प्राइस दिया तो यहां तो ये लेंगे और ये लिया था हमने, लास्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे, बस उतने ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 49 आखिरी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, शेयर कैपिटल दिया है 1500 मिलियंस, रिजर्व एंड सरप्लस है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 9.5% डिबेंचर और 8.5% टर्म लोन। डिबेंचर ऑफ एबीसी लिमिटेड रिडीम्ड होने वाले कितने साल बाद, 3 साल बाद, और अभी कितना कोट हो रहा है, 981.14, मतलब हाँ मतलब जो शेयर मार्केट में चलता है ना वो वाला प्राइस दिया। टैक्स का रेट कितना दिया, 35%, क्या इससे हमारा केडी निकल जाएगा क्या, डिबेंचर कौन सा वाला, ये वाला है ना यार, फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा, बड़ा वाला, आई, आई का मतलब इंटरेस्ट कितना लोगे, 1000 का 9.5% 95 प्लस रिडीमेबल वैल्यू क्या जाएगा, कुछ दिया नहीं है, 1000 का 1000 माइनस नेट प्रोसिट कितना, अब सोच समझ के बोलना, 1000। मैंने क्या कहा था, अगर साफ साफ लिखा है इश्यू प्राइस तो क्या लेना है, इश्यू प्राइस, नहीं तो क्या ले लेना है, फेस वैल्यू, एक क्वेश्चन के अलावा, वो क्वेश्चन ये है, मैंने ये बात बोला था कि एक क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो, अब वो क्वेश्चन ये, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है, ईयर में लिखा है पर इंस्टीट्यूट का, गलतियों पे कितना भी पर्दा डाल दो, ठीक है, जस्टिफाई जस्टिफिकेशन आप जो देना हो दो, ये वाला क्वेश्चन के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है भाई तो सुनो, जो एग्जाम में आता है ना हमको लेना ही नहीं है मार्केट प्राइस, हमको क्या लेना है, फेस वैल्यू, बस दैट्स इट। हाँ वैसे ही करके आता, करंट मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर कितना दिया है, 60 रुपए, रिस्क फ्री रेट कितना दिया है, नहीं 10 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बॉन्ड 5, मतलब ये क्या होगा, आरएफ, रिस्क तो वैसा वाला, रिस्क प्रीमियम कितना दिया है, 8%, और बीटा दिया 1.18715, याद है ना, ये प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, करेंटली अभी कितने में बिक रहा है, 98.15, ठीक है, आपको निकालना WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट हो जाएगा, KE और KR सेम ही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चलो बनाते हैं पॉइंट नंबर 2, बनाना तो पड़ेगा भाई, लास्ट क्वेश्चन है ना ये, देखोगे कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
पहले क्या लेंगे केई, फॉर्मूला क्या है डी वन डी जीरो प्लस जी, वो लगेगा ही नहीं, वो तो मैं मजाक कर और लोग साथ में मेरे साथ बच्चे भी मजाक कर रहे थे मैंने डी वन बोला, बच्चों ने पी जीरो बोल दिया, एक ही तो बात है। चलो आर एफ रिस्क फ्री 5.5%। अरे मैंने सर्फ बताया था आपको, और बीटा कितना है 1.187। नहीं आंसर नहीं, कुछ बच्चे 8-5 भी करते, 8-5.5 करते, हाँ वो इसको आरएम समझ लेते, ये आरएम नहीं है, ये रिस्क प्रीमियम। अभी क्या बचा इसके बाद, केडी एक हजार का 9.5% 95, 1-minus tax credit, redeemable value 1000 माइनस 985.981 डिवाइडेड बाय कितना साल, 6.87 82 इसका निकाल रहा हूं मैं टर्म लोन, आई वन माइनस टैक्स, ये तो सिंपल है, अब क्या बचा केपी, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है यार 100 रुपए का, मतलब 10.5, आरवी कितना है 100 माइनस 98.15 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100 कर देना,
10.9. रिटर्न अर्निंग का क्या करना है हमको, कौन से वेट से निकालना है, मार्केट वैल्यू, इसको उड़ा दूं, ठीक है, के ई के आर एक जैसा, डब्ल्यू एस सी से निकाल दीजिए, मैंने गलत लिखा है, चलो जी डब्ल्यू एस सी से निकाल रहे हैं हम लोग, आपको मार्केट वैल्यू वेट से निकालना है, आप रिजर्व भी लिख सकते हो पर उसको फिर हाँ अलग अलग, हाँ के ई के आर एक ही है तो एक साथ लिख दीजिए, मतलब सीधा आ जाएगा इक्विटी में आ जाएगा 150 × 60, इक्विटी का मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा 150 × 60 कितना 9000, रिजर्व लेना है क्या नहीं लेना है, 1,000,000 × प्रेफरेंस शेयर कितने में इश्यू हो रहा भाई, हाँ सही तो है, 1 × तो ये कितना जाएगा 98.15 million, अच्छा ये कितना है 1.5 million डिबेंचर, 1.5 × 981.05 कितना आ गए हैं 14, ठीक है, और ये 500 का 500 575 है ठीक, चल जाएगा,
फाइनल आंसर आ रहा 13.45 के आसपास। I4 क्या 4-5 कैलकुलेशन देखा अभी क्या बोल रहा है। पॉइंट नंबर वन हो गया, पॉइंट नंबर टू। डिफाइन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही निकालना है। कितने पैसों का अरेंजमेंट करना आपको, 750 मिलियंस आपको लगाना है न्यू प्रोजेक्ट में, और किस रेशियो में रखना है, 20% ऑफ द न्यूली रेस्ट कैपिटल। कितना डेट कितना रखना है आपको, 20% डेट, 20% तो बचा हुआ कहां से होगा, 80% द बीटा ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाने जा रहे हो उसमें रिस्क ज्यादा है, बीटा दिया हुआ है कितना, किस काम आएगा ये, कहीं निकालने के काम आ जाएगा। डेट कैपिटल विल बी रेज थ्रू टर्म लोन, और इंटरेस्ट रेट कितना है इसका, इसका तो सीधा काम हो जाएगा, मतलब हम इससे क्या निकालेंगे, केडी निकालेंगे। हाँ लेकिन ऐसा नहीं बोला है, 9.5% कितने पे, 100 मिलियंस पे, और 10% फॉर नेक्स्ट 50 मिलियंस। तो हिसाब किताब करना पड़ेगा आपको, एक्चुअल में लग कितना रहा, 750 का 20% करो कितना रहा, अच्छा 150 ही आ गई, तो 9.5% पे कितना, 100, और बचे हुए पे कितना परसेंट है, 10, और बाकी इधर कितना है, 650। क्या निकल सकता है, ये होमवर्क दे दो इसको, कितना पार्ट है होमवर्क, ये वाला पार्ट होमवर्क। बस बस कुछ नहीं, एक बार बुक पर आ जाओ। होमवर्क का मतलब है कि आपको घर में करना है। पेज नंबर 51 पे आ जाओ, एक बार शुरू से देख लेते हैं क्या चल। क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू मैंने नहीं करवाया हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन और टू में मुझे डिविडेंड वाला नहीं, कैपिटल वेस्टिंग का नॉलेज है। तो बच्चे, जो बच्चे कैपिटल वेस्टिंग नहीं किए वो यहाँ बैठे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है प्रेजेंट वैल्यू। पॉइंट नंबर टू में देखो ना क्या लिखा, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यूजिंग, लास्ट में क्वेश्चन नंबर वन में पॉइंट नंबर YTM। हाँ ये समझ में नहीं आएगा ना बिना कैपिटल वेस्टिंग। पूरा बुक में YTM ही YTM है, ये जितना बुक से दिख रहा ना इसमें पूरा YTM ही था। हाँ तो फाइनल का डाला है इसमें इंस्टीट्यूट ने, तो वो मैं करवाऊंगा, पर उसके लिए कैपिटल वेस्टिंग का नॉलेज चाहिए। ठीक, हाँ
तो क्वेश्चन नंबर वन और टू अभी छुड़वाया हूँ, स्पेशली अलग से करवाऊंगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर थ्री हो चुका है, फोर हो गया, नहीं हुआ है, फोर नहीं हुआ है। फोर जो करेंगे वो करेंगे, एक टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर, इसी के बाद जस्ट कल से ही पढ़ने वाला है कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके साथ। क्वेश्चन नंबर फाइव हो चुका है, सिक्स भी नहीं हुआ, ये भी किसके साथ करेंगे, कैपिटल सी एस लिख देना, कैपिटल स्ट्रक्चर। सेवन एट नाइन हो चुका है, टेन हो चुका है, इलेवन हो चुका है, ट्वेल्व हो गया, अच्छा नाइन डिविडेंड के साथ होगा, ठीक। टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, क्वेश्चन नंबर नाइनटीन कैपिटल वेस्टिंग के साथ होगा, मतलब आपको अलग से करवाऊंगा मैं जिन्होंने कैप। हाँ इसमें भी ऐसी कुछ है, रियलाइज यील्ड, वाई टी एम मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, 20 हो चुका है क्या, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 आप करोगे डिविडेंड के साथ। इधर से चलते, 24 हो गया है, 25 नहीं हुआ है ना, होमवर्क होमवर्क। ट्वेंटी सिक्स हो गया है, 27 भी वही यील्ड वाला कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ेंगे हम लोग किसके साथ, कैपिटल वेस्टिंग, मतलब अलग से सेपरेट करवाऊंगा मैं। 28 हो चुका है, 29 कैपिटल स्ट्रक्चर लिख लो सी एस, 30 हो चुका है, 31 भी हो गया है, 32 हो गया है, 33 हो गया है, 34 और 29 एक जैसा क्वेश्चन है, तो एक कोई क्वेश्चन कट कर दो, सेम फिगर गलती से प्रिंट हो गया, हाँ सी एस ही कर दो। 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 हो गया, 48 हो गया, 49 अभी किया है, 50 भी करवा दिया, 51 भी हो गया, 47 हाँ हो गया यार, 52 53 54 55 56 57 58 कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ, उसमें आएगा नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग, वो भी समझ में। और अगला पेज पलटाओ, ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ वो भी क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ जिनका कैपिटल वेस्टिंग हुआ उनको YTM थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, हालांकि मेरे फाइनल के लेक्चर रखे हुए हैं, पर आप देखोगे नहीं उसे समझ में आएगा नहीं कुछ, तो आपको अलग ही से एक घंटा लगेगा, तो एक घंटे में सारी चीजें डिस्कस क्लासेस, ठीक है, बाकी हम अगला चैप्टर